आज हम सीखेंगे रजोधर्म और जनन स्वास्थ्य के बारे में। चलिए पहले रजोधर्म की चर्चा करें। लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं। मानव जनन में प्रत्येक माह स्त्री के शरीर में दो में से एक अंडाशय द्वारा एक अंडकोशिका परिपक्व की जाती है। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडकोशिका का संलयन यानी फ्यूजन होता है, जिससे एक निषेचित अंड यानी फर्टिलाइज्ड एग उत्पन्न होता है, जिसे युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। इसका गर्भाशय की भित्ति पर अंतररोपण होता है, इसलिए गर्भाशय भी प्रति माह निषेचित अंड की स्थापना के लिए तैयारी करता है। इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है ताकि भ्रूण को पोषण प्राप्त हो सके। लेकिन निषेचन न होने की स्थिति में अंडकोशिका केवल एक दिन जीवित रह सकती है, इसलिए निषेचन न होने पर इस नई परत की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर रुधिर एवं म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से निष्कासित की जाती है और गर्भाशय के अंतःभित्ति की मरम्मत हो जाती है। यह संपूर्ण क्रिया लगभग 2 से 8 दिनों में पूर्ण हो जाती है तथा लगभग प्रत्येक माह दोहराई जाती है। इस क्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्त्राव यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह क्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। रजोधर्म का चक्र यौवन आरंभ से शुरू होता है तथा 45 से 55 की आयु तक जारी रहता है। गर्भधारणा होने पर इसे रोक दिया जाता है। रजोधर्म के दौरान स्त्री को काफी वेदनाएं होती है। अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने के कारण कमजोरी भी आ जाती है। इस काल अवधि में स्त्री को संसर्ग होने की अधिक संभावना होती है, इसलिए इस काल अवधि में स्त्री को आराम और व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक होती है। अब चलिए जानते हैं जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के उन सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है, जैसे समाज में लड़के और लड़की में भेद, बाल विवाह जैसी रूढ़ियाँ, संतानोत्पत्ति के लिए परिवार का दबाव तथा शासन का नियंत्रण इत्यादि। स्त्री का कम उम्र में गर्भधारण करने से, बच्चों के बीच अंतराल कम रखने से या अधिक बार गर्भधारणा करने से स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता है। यदि इच्छा के विरुद्ध गर्भधारणा होती है तो इससे मानसिक, शारीरिक तथा वित्त संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंधों से अनेक रोगों की लैंगिक संचरण की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि जनन पर नियंत्रण न किया गया तो एक जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इससे समस्याएं जैसे भोजन एवं साधन संपत्ति में कमी, सामाजिक असमानता इत्यादि उपस्थित होती है। इसलिए जनन स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न युक्तियाँ खोजी गयी, चलिए इन्हें जाने। शीश्न को ढकने वाले कॉन्डोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों जैसे डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट इत्यादि रबर से बने उपाय यांत्रिक अवरोध यानी मैकेनिकल बैरियर कहलाते हैं। वे शुक्राणु का अंडकोशिका तक पहुंचना रोकते हैं, जिससे गर्भधारणा रोकी जा सकती है। इसी तरह वे रोगों के लैंगिक संचरण को भी रोकने में सहायक होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्त्रियों द्वारा खाई जाने वाली दवाइयां होती है, जो हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है। इससे अंड का मोचन नहीं होता और इसलिए निषेचन की संभावना नहीं रहती। इनके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD अनुभवी डॉक्टरों
या नर्सों द्वारा अंतःगर्भाशय युक्तियाँ जैसे लूप, कॉपर टी इत्यादि गर्भाशय में लगाई जाती है। ये शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, शल्यक्रिया विधियाँ यानी सर्जिकल मेथड्स उपयोगी है। इन विधियों में शल्यक्रिया द्वारा पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोका जाता है। इस तकनीक को वासिक्टोमी कहा जाता है। इसी तरह स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक जाने से रोका जाता है। इस तकनीक को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। शल्यक्रिया से अनचाहे गर्भ को गर्भाशय से हटाया भी जा सकता है। इसे गर्भपात कहते हैं। समाज में पुरुष और स्त्री में भेद होने के कारण कुछ लोग भ्रूण का लिंग परीक्षण करके मादा गर्भ का चयनात्मक गर्भपात यानी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करते हैं। यह गैर कानूनी है। इससे हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो तीव्रता से घट रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए हमें नर मादा लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। तो आज हमने सीखा रजोधर्म और जनन स्वास्थ्य के बारे में।